नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों अक्सर सभी एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, वनस्पतिक दृष्टिकोण से केले का फल कहलाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है ड्रूप, दूसरा है बेरी, तीसरा है पोम और चौथा है नट। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, बेरी। क्योंकि दोस्तों बेरी फल के प्रकार में गूदा पाया जाता है और केले के फल में भी गूदा पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है अमरूद, दूसरा है नींबू, तीसरा है मौसमी और चौथा है आंवला। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डहेलिया कौन से कुल से संबंधित है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कंपोजिटी, दूसरा है इडेसी, तीसरा है लिलियासी, चौथा है जिंजेवरेसी। तो दोस्तों इसका आंसर है कंपोजिटी, क्योंकि डहेलिया कंपोजिटी कुल से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में फलों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है इंग्लैंड और चौथा है अमेरिका। तो दोस्तों विश्व में फलों का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है और दोस्तों सब्जियों में भी सर्वाधिक उत्पादन चीन का ही होता है और भारत का फल और सब्जी में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूँ में शाकनाशी 2,4-D का प्रयोग करते हैं बुआई के पश्चात, मतलब बुआई के कितने दिनों के पश्चात 2,4-D का उपयोग गेहूं में करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है 32 दिन के बाद 2,4-D का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणीय मृदा में विद्युत चालकता होती है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 4 dSi/m से अधिक, दूसरा है 8 dSi/m से अधिक, तीसरा है 4 dSi/m से कम और चौथा है उपरोक्तों में से कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, 4 dSi/m से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा में सूखने पर ऊपरी सतह पर सफ़ेद चकते बनती हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है लवणी मृदा, दूसरा है क्षारीय मृदा, तीसरी है अम्लीय मृदा और चौथा है उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, लवणी मृदा में क्या होता है, सूखने के बाद लवणी मृदा के ऊपर सफ़ेद चकते बनने लग जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल को सबसे ज़्यादा सिंचाई की संख्याओं की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है मक्का, तीसरा है जौ और चौथा है धान। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता गेहूं में होती है। नेक्स्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, धान में खीरा रोग किसकी कमी से होता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है जिंक और चौथा है बोरॉन। तो दोस्तों इसका आंसर है जिंक, धान में खीरा रोग जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार के दाने में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो पहला ऑप्शन है 3.4, दूसरा है 5.4, तीसरा है 7.4 और चौथा है 10.4। तो दोस्तों इसका आंसर है डी ऑप्शन, 10.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचित परिस्थितियों में जौ की फसल के लिए बीज दर कितनी है। मतलब जहाँ पर सिंचित परिस्थितियाँ ज़्यादा होती है वहाँ पर जौ की फसल के लिए बीज दर कितनी होती है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, दूसरा है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तीसरा है 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और चौथा है 175 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दोस्तों यहाँ पर जौ की जगह गेहूँ की भी पूछता बीज दर, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मूंग की प्रजाति नहीं है, मतलब मूंग की किस्म नहीं है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है K851, सेकंड है कृष्णा, थर्ड है RMG62 और डी ऑप्शन है गंगाएड। तो दोस्तों यहां पर इसका आंसर है गंगाएड, मूंग की प्रजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुच्छेदार मूंगफली की बीज दर है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, दूसरा है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तीसरा है 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और चौथा है 160 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मस्टर्ड का नाम क्या है, मतलब सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर बेसिका जुन्सिया है, बेसिका जुन्सिया सरसों का वनस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिका एक प्रजाति है, मतलब शिका किस्म किस फसल की प्रजाति है। तो पहला ऑप्शन है सरसों, दूसरा है अलसी, तीसरा है सूरजमुखी और चौथा है मूंगफली। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, सूरजमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के साथ आँख मिलाकर बुआई की विधि संबंधित है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है सोयाबीन, दूसरा है अरहर, तीसरा है गन्ना, चौथा है पान। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अमरूद की जेली में निम्न में से कौन सा परिरक्षक मिलाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, सोडियम बेंजोएट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल किस उत्पाद को बनाने में बहुत ज़रूरी है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है मार्मलेड, दूसरा है फलपाक, तीसरा है अवलेह और चौथा है मुरब्बा। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, अवलेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलदान में कौन सा फूल सर्वाधिक समय तक ताज़ा रहता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है गुलाब, दूसरा है जरबीरा, तीसरा है कॉर्नेशन और चौथा है ग्लेडियोलस। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, ग्लेडियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो परिष्करण को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है फसल, दूसरा है मृदा का प्रकार, तीसरा है जलवायु और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि दोस्तों भू परिष्करण को तीनों ही कारक प्रभावित करते हैं, फसल, मृदा का प्रकार और जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्थित है? तो दोस्तों यह इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन हैदराबाद, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है बेंगलोर और चौथा है नई दिल्ली। तो दोस्तों यह इंस्टीट्यूट बेंगलोर में स्थित है और दोस्तों इसे शॉर्ट फॉर्म में IIHRB कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का रासायनिक नाम है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है KMS, दूसरा है KS02, तीसरा है K2SO2 और चौथा है K2S2O7। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, K2S2O7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के खेत के चारों ओर सने की फसल की कुछ पंक्तियां बोना कहलाता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है मिश्रित फसलें, दूसरा है रक्षक फसलें, तीसरा है सहचर फसलें और चौथा है सहायक फसलें। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, रक्षक फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरूद किस कुल से संबंधित है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है रोजेसी, दूसरा है किरिकेसी, तीसरा है मिरिटेसी और चौथा है यूफोरबियासी। तो दोस्तों इसका आंसर है मिरिटेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा नन्ना एक बोनी प्रजाति है? पहला ऑप्शन है आम, दूसरा है पपीता, तीसरा है केला और चौथा है सपोटा, जिसे चिक भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम्बी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है साइट्रस साइनेसिस ओस्बेक, दूसरा है साइट्रस ओरंटियोलिया स्विंगल, तीसरा है साइट्रस नोबिलिस लोर, चौथा है साइट्रस रेटिकुलेटा ब्लैंको। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, साइट्रस साइनेंसिस ओस्बेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अंगूर की संकर प्रजाति है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है अरकावती, दूसरा है बंगलोर ब्लू, तीसरा है पूसा सीडलेस और चौथा है मरकट। तो दोस्तों इसका आंसर है अरकावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है? दोस्तों यह जीके के क्वेश्चन है पर फिर भी एग्रीकल्चर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है गोदावरी, गोदावरी नदी मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धशुष्क परिस्थितियों में इनमें से किस फसल को सबसे कम पानी चाहिए? पहला ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा है टमाटर, तीसरा है बैंगन और चौथा है प्याज। तो दोस्तों इसका आंसर है गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी फली फसल सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाती है? तो पहला है आम, दूसरा है साइट्स, तीसरा है केला और चौथा है सेब। तो दोस्तों इसका आंसर है आम, आम का सर्वाधिक क्षेत्रफल है और दोस्तों उत्पादन में केले का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से किस फसल की पैदावार सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है धान, धान की पैदावार सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों एवं फलों में भारत का स्थान है, भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा है दूसरा, तीसरा है तीसरा, चौथा है चौथा। तो दोस्तों सब्जियों एवं फलों में भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलिब्डेनम का ग्रहण सर्वाधिक कौन सी फसल में होता है? तो दोस्तों पहला है बरसिंग, दूसरा है बैंगन, तीसरा है बाजरा, चौथा है चौला। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, बरसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 50 वर्षों में खाद्यान्न की उपलब्धता किसके लिए अधिक कम हुई है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है धान, दूसरा है गेहूं, तीसरा है दलहन और चौथा है चना। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले का प्रसारण किया जाता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है वाटर सकर्स द्वारा, दूसरा है स्वर्ड सकर्स द्वारा, तीसरा है स्टेम कटिंग से और चौथा है राइजोम से। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, स्वर्ड सकर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फल सबसे अधिक विटामिन ए रखता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है आम, दूसरा है अंगूर, तीसरा है अनार और चौथा है संतरा। तो दोस्तों इसका आंसर है आम, क्योंकि दोस्तों आम में सर्वाधिक विटामिन ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिर्च की प्रजाति नहीं है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है भाग्यलक्ष्मी, दूसरा है आंध्र ज्योति, तीसरा है किंग ऑफ नॉर्थ और चौथा है पूसा भैरव। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, पूसा भैरव मिर्च की प्रजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थितियों में सूखे मिर्च की प्रति हेक्टेयर पैदावार हो सकती है, मतलब कठिन परिस्थितियों में सूखे मिर्च की प्रति हेक्टेयर पैदावार कितनी होती है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 500 किलोग्राम तक, दूसरा है 800 किलोग्राम तक, तीसरा है 1200 किलोग्राम तक और चौथा है 2000 किलोग्राम तक। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, 2000 किलोग्राम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइट आईसीकल एक प्रजाति है। तो पहला ऑप्शन है शलजम, दूसरा है गाजर, तीसरा है मूली, चौथा है चुकंदर। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, मूली। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज किस कुल से संबंधित है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है अमेरिलिडीसी, दूसरा है सोलेनेसी, तीसरा है यूफोरबियासी, चौथा है अम्बेलीफेरी। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, अमेरिलिडीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोकली का वनस्पतिक नाम है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, बीटा ओलेरेसिया वार इटालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खरपतवार का मुख्य स्रोत है? तो दोस्तों इसका आंसर है गोबर, क्योंकि दोस्तों गोबर के थ्रू बहुत सारे खरपतवार पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंग को इनमें से किस जैव उर्वरक से उपचारित करते हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है राइजोबियम, दूसरा है एजोडोबैक्टर, तीसरा है एजोस्पिरिलियम, चौथा है एजोला। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल से किस फसल को फ़ायदा होता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है जौ, तीसरा है सोयाबीन और चौथा है धान। तो दोस्तों इसका आंसर है धान, क्योंकि दोस्तों धान में पानी दिया जाता है और इसमें शैवाल की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन फास्फेट गोलक बैक्टीरिया है? तो कौन सा बैक्टीरिया फास्फोरस गोलक होता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है एस्परजिलस अवामोरी, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन स्पीसीज, तीसरा है बेसिलस मेगाथीरियम और चौथा है एजोराइबियम। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, एजोराइबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? तो दोस्तों है पहला है सोयाबीन, दूसरा है ग्वार, तीसरा है मूंगफली, चौथा है अलसी। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, ग्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल में प्रसारण के लिए विनियर रोपण का प्रयोग किया जाता है? विनियर रोपण मतलब विनियर क्राफ्टिंग। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है पपीता, दूसरा है केला, तीसरा है आम और चौथा है नींबू। तो दोस्तों इसका आंसर है आम, आम में विनियर क्राफ्टिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल में प्रोपिंग एक महत्वपूर्ण शस्य क्रिया है? तो पहला है अमरूद, दूसरा है आम, तीसरा है पपीता, चौथा है केला। तो दोस्तों इसका आंसर है केला, क्योंकि दोस्तों में केले में प्रोपिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समशीतोष्ण जलवायु का फल है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है आम, दूसरा है अनानास, तीसरा है अंगूर और चौथा है अमरूद। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, अमरूद। तो दोस्तों यह थे टॉप 50 क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों यदि आपको किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यू वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।